हेलो गाइज, आप सभी का राइड विद बाइक रजत यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं राइड विद बाइक रजत। दोस्तों, आज का ये मेरा सेकेंड ब्लॉग होने वाला है मेरे चैनल पे। मैंने पहला एक ब्लॉग बनाया था त्रिकुटी पहाड़ का, जो देवघर झारखंड का था, तो वो मुझे ब्लॉग बनाना नहीं आता था और वो ब्लॉग सच में बहुत ही ख़राब बना हुआ था। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ये वाला ब्लॉग थोड़ा उससे ज़्यादा अच्छा बनाने की, थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाने की। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वाला ब्लॉग कैसा बना हुआ है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा ब्लॉगिंग करने की, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा। और आज के ब्लॉग में आप सभी को बहुत चीज़ दिखाने वाला हूँ। जैसा कि अभी आप देख सकते होंगे 10:30 बज रहा सुबह के, और आज की तारीख है 15। एक्चुअली लद्दाख जाने का भी मेरा प्लान है और देखते हैं कहाँ तक सक्सेस हो पाता है। वैसे तो पिछले साल ही जाने का था, पर कोरोना की वजह से नहीं जा पाया, पॉसिबल नहीं हो पाया। तो इस साल हम सोच रहे कि मई में निकलेंगे, तो एक साथ में इतना सारा काम तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपको भी पता होगा लद्दाख कोई मामूली बात नहीं है, जाना आना सारे एक्सपेंसिव भी होते हैं, मतलब खर्चे काफ़ी है। तो मैं धीरे धीरे करके स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में जहाँ तक मैं आज का जो काम मेरा है, आज अभी मैं जा रहा हूँ अपने अपाची बाइक के जो बैक टायर है, रियर टायर, उसको चेंज करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में फ्रंट टायर भी चेंज करेंगे एक दो महीने बाद। मतलब हर महीने कुछ ना कुछ काम कर लूँगा बाइक से रिलेटेड, चाहे सैडल बैग हो या ग्लव्स हो या राइडिंग गियर्स वगैरह कुछ भी हो, तो हर महीने कुछ ना कुछ करूँगा। तो देखते हैं कहाँ पर अच्छा मतलब टायर वगैरह मिलता है मुझे। ऑफ रोड मतलब डुअर पर्स टायर चाहिए, ऑफ रोड ऑन रोड दोनों में थोड़ा चल जाए। और दिक्कत मेन ये है कि ये जो BS4 मॉडल था अपाची का, पुराना वाला मॉडल, उसका टायर साइज 110/80/70 का आता है, जबकि इस सेक्शन में मैंने बहुत सारे ऑनलाइन में देखा तो इस सेक्शन में काफ़ी कम ऑप्शन आता है ट्यूबलेस टायर में। और बाकी इसे थोड़ा ऊपर जाने पे 120-130 वाले में उसमें काफ़ी सारा ऑप्शन मिल जाता है। और आज मैं वही मतलब कुछ काम भी है, जैसे टायर तो चेंज कराना पहली नंबर, पोल्यूशन भी मेरा खत्म है, वो भी चेंज करवाना है, मतलब बनवाना है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी बनवाना है, दूसरा काम हो गया। तीसरा काम है जो मेरा बाइक का स्ट्रोक लाइट था वो ख़राब हो गया, तो चलिए देखते हैं, अगर पैसे बजट से हो जाता है तो नाइट आई भी लगाने का प्लान किया हूँ। तीन काम हो गया। चौथा काम है कि मेरा जो गूगल से चश्मा है वो एक बार गिर गया था तो थोड़ा टेंट हो गया, तो जहाँ पर जा रहा हूँ जहाँ से मैंने लिया है उसको थोड़ा बोल के ये सीधा करवा लूँगा। खुद से भी कर सकता हूँ पर थोड़ा सही से नहीं हो पाए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि वहीं चल जाऊँ, मतलब थोड़ा आइडिया नहीं है कि किस तरह किया जाता है, और पहली बार इतना महंगा चश्मा पहन रहा हूँ। वैसे तो मुझे चश्मा का शौक़ नहीं था, पर ये थोड़ा पावर वाला चश्मा है। जो पहले भी चश्मा पहनता था तो उसमें वो 400-500 से ज़्यादा का कभी मैंने चश्मा पहना ही नहीं है, और ये जो चश्मा बनाया हुआ ये 2600-2700 के आसपास का है, कुछ समथिंग ऐसे ही 2500 के ऊपर कहीं है। तो अभी प्राइस मतलब प्रॉपरली मुझे याद नहीं आ रहा कितना है, तो इसको थोड़ा ध्यान से भी रखता हूँ, तो इसीलिए चलिए वहीं पर जाके करवाता हूँ। और ये अभी 2-3 महीने ही हुआ है लिए हुए, तो ये काम हो गया। और तो यही सारा काम है, तो एक एक करके मैं वीडियो को आगे बनाते जाऊँगा। और लद्दाख जाना तो है भाई, चाहे जिसके पास बुलेट भी हो या कुछ और भी हो, स्कूटी भी हो, पर जाने का है ही, क्योंकि लद्दाख सब बाइकरों का ड्रीम है, मेरा तो है ही। और जहाँ तक मैंने क्रेज़ देखा लद्दाख का, वो वाह भाई, तो वही चीज़ है, मेरे पास तो बुलेट है नहीं, जो बाइक है उसी से चलेंगे, तो दिल छोटा नहीं करने का है, जो भी है उसी से चलते हैं, अरेंज करेंगे पैसा वगैरह। अभी तो टाइम है 6 महीना, देखते हैं कैसे क्या हो पाता है, खर्चे तो बहुत हैं और आमदनी कुछ भी नहीं है, आमदनी 98 खर्चा रुपया, वही वाला हाल है भाई। तो अभी और एक गुड न्यूज़ आप लोग दे दूँ भाई, आप लोग को थैंक यू कि मेरा चैनल जो है 2-3 दिन पहले मोनिटराइज हो गया है, जिसमें आपको मेरा एड भी दिखाई देगा मेरे वीडियो पे। और बेड न्यूज़ ये भी है कि मैंने अभी मैक्सिमम वीडियो को प्राइवेट कर दिया है, क्योंकि मेरे 2 वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था, और 3rd जो वीडियो है उस पर अगर आ जाता तो मेरा चैनल ही डिलीट हो जाता, तो इसलिए अभी जो मैक्सिमम वीडियो है उसको मैंने प्राइवेट कर दिया है। कुछ महीने बाद मतलब उसको मैं ठीक ऑन कर दूँगा, पब्लिक कर दूँगा, और तब तक अभी जो नया ब्लॉग बना रहा हूँ, जो नया वीडियो बनाऊँगा वो सब रन करते रहेगा। तो बाकी जो पिछला वीडियो मैंने काफ़ी सारे बनाया, तो मैंने किसी का थोड़ा सा वीडियो अपने में भी इंक्लूड किया था, बस वीडियो किया था, म्यूज़िक और वॉइस नहीं किया था, वॉइस मैंने अपना ही डाला हुआ है, तो इसलिए वो भी थोड़ा बैड न्यूज़ है। 2 स्ट्राइक हो गया भाई, इतने मेहनत से 1K किया हूँ और 4 आवर्स कम्प्लीट भी हुआ है,
तो मैं नहीं चाहता कि चैनल डिलीट हो जाए, बहुत मेहनत लगता है। बाकी आप लोगों को भी प्यार अच्छा खासा मिल रहा है अभी तक। और ये जो है अभी मोबाइल से ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, एक्शन कैमरा नहीं है। पिछले बार भी मैंने बहुत वीडियो में बोला है कि मोबाइल ही है, एक्शन कैमरा नहीं हूँ। तो भाई अभी भी वही है, मोबाइल से ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और बोया का माइक लगाया हूँ, हेलमेट में लगाया हूँ, तो थोड़ा वीडियो हिलने का सेकनेस का प्रॉब्लम हो सकता है, कोशिश करूँगा ना हिले। फिर भी एक्शन कैमरा और मोबाइल में बहुत फ़र्क हो जाता है, ना भी करो तो हिलेगा ही। तो अभी मैं जहाँ पे रहता हूँ दोस्तों, यहाँ से मुझे जाना है दुर्गापुर। मेरे घर से ये करीबन 22-25 किलोमीटर दूर है, आधा घंटा 45 मिनट का रास्ता है। और आप लोग वीडियो बने रहिए अगर यहाँ तक पहुँच गए तो। और हाँ, याद आ गया मेरा, ये जो आप देख रहे हैं कुछ दिन पहले, ये मेरा स्विच ख़राब हो गया, इंजन क्विल स्विच। बाकी सेल्फ स्टार्ट काम कर रहा, तो ये भी स्विच चेंज करवाना है। BS3 वाला करवा लूँगा, क्योंकि जैसा आप देख पा रहे हैं BS4 वाला मैं यहाँ पे स्विच नहीं देता, और जो हेडलाइट है हमारा हमेशा ऑन रहता है, जिसके वजह से मेरा 3-4 महीने पे जो हेडलाइट है वो उसका फ्यूज कट जाता है। या तो कभी हाई बीम का फ्यूज कट जाता है, कभी लो बीम का फ्यूज कट जाता है। और इस बार तो दोनों ही कट गया है, पहले वाले में तो हाई बीम का ही कटता था, लो बीम का ऑन रहता था। तो वैसे तो मेरा जो फॉग लाइट वगैरह लगाए उसी से काम चल रहा था, पर मैं सोच रहा हूँ ना इसको भी चेंज करा लूँ और नाइट आई लगवा लेता हूँ, देखता हूँ क्या रिएक्शन है, क्या यूज़ है और क्या लाइट है और नॉर्मल और नाइट आई से। तो यही सब सारे चीज़ करवाना है। तो चलिए आगे वीडियो को देखते हैं। देखिए आओ, 1300 रुपये लगा है, ये नाइट आई तो अभी लग गया। और अभी करवा रहे हैं टायर चेंज। ये हमारा पहले जो स्टॉक का था TVS करीमोरा का 110/17 का, वही टायर है, करीबन 3.5 साल हो गया उसके बाद ही चेंज करा रहे हैं। और अभी लगवा रहे हैं ये वाला टायर, ये मिसलिन का है, 120/17 का लगवा रहे, थोड़ा उससे 10 mm ज़्यादा का लगवा रहे। लगवाने के बाद का दिखाते हैं वीडियो, तभी इसको चेंज करवा रहा हूँ। 110 का भी ऑप्शन था, पर सोचा थोड़ा ब्रॉड मिल जाए तो बढ़िया होता, तो 120 का ही लगा। दो काम तो हो गया है, एक लाइट का हो गया और टायर भी चेंज हो गया है। अब चलते तीसरा काम पड़ गया है इसका, थोड़ा चेक करवाना है, ये थोड़ा टेढ़ा टाइप का हो गया एक बार गिरा था। और बाकी चौथा काम है पोल्यूशन का, तो ये अभी दो काम और बाकी, ये दो काम करवाते हैं उसके बाद आगे चलते देखते क्या होगा। अभी मैंने जो टायर लगवाया उसका 2800 रुपये लगा, मिसलिन का है,
स्ट्रीट पायलट 2 और टायर साइज 120/80/17 का रियर टायर का, और फिटिंग वगैरह सब लेकर 2500 में हो गया। तो यहाँ पे जो चश्मा मेरा लूज था अभी उसको ठीक करवाएं, देखते ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पता चला, वो एक बार गिर गया तो उसके वजह से मुझे थोड़ा टेढ़ा लग रहा था, तो वो भैया से दिखवाएं, ये भैया हाई कर दीजिए भैया एक बार, तो इनसे दिखवाएं तो ये ठीक कर दिए। और ये दुर्गापुर का ही है, आइकॉन करके यहीं से मैंने ये चश्मा लिया था, 2500-2600 के आसपास का पड़ा था 2-3 महीने पहले के बाद, तो अभी यहीं पर आया फिर से। ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है भाई, क्योंकि पहली बार इतना महंगा पहन रहा हूँ मैं, 400-500 पहनने वाला हूँ। हाँ क्या बोलते, फोटो क्रोनो। हाँ मतलब 2-3 बेनिफिट है इस चश्मे में, मतलब अंधेरे में आओ तो वाइट हो जाएगा, धूप में जाने पे ब्लैक हो जाएगा, ऊपर से पावर भी है, तो यही सब है। तो अब नेक्स्ट काम करते हैं, चलते हैं पोल्यूशन बनाने, तो उसके बाद का आगे आपको बताते हैं आज का क्या और प्लान है, और चलिए भी ठीक है मिलते हैं। ठीक है भाई, खड़ी है यहाँ पे अपनी बाइक, और आए थे यहाँ पे आइकॉन, ये दुर्गापुर का ही पड़ता है, तो यहाँ से तो काम हो गया है, बनवा लिए फ्री में, कोई चार्ज नहीं लगा, जब पैसे दिए तो भाई यहीं पे आके बनवाने में फ़ायदा है। अभी भाई बिग बाज़ार आ गया हूँ, यहीं पे पास में ही था 2 मिनट के, जहाँ से मैंने आइकॉन वो चश्मा बनवाया था वहाँ से पास में ही बिग बाज़ार है 5 मिनट का, और बाइक यहाँ पे पार्किंग पे लगा दिए है, मतलब बिग बाज़ार का ही पार्किंग है, 10 रुपये लगा है। और अभी चलते हैं बिग बाज़ार में, कुछ एक सामान लेना था मुझे ब्लॉगिंग के लिए, वो क्या बोलते हैं ट्राईपोड बोल के कुछ है, तो अभी वो लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे मिलता है, कितना है, 500-600 तक का देखा हूँ, मैक्सिमम 700 तक जाऊँगा, अगर मिलता है तो सही है, नहीं तो फिर दूसरी जगह देखता हूँ कहीं पर जाके। भाई जो ट्राईपोड चाहिए ब्लॉगिंग के लिए वो तो मिल नहीं रहा, ऐसा वाला ट्राईपोड है, ऐसा वाला तो मेरे पास है, पर जैसा चाहिए वो जो मुड़ जाता है फ्लेक्सिबल वाला, वैसा वाला ट्राईपोड नहीं मिल पा रहा है, फिलहाल देखते हैं किसी और जगह पे जाके देखते हैं। अभी यहीं पे आ गए भाई, ये है पोल्यूशन टेस्टिंग सर्टिफिकेट, अभी पोल्यूशन बनाना है, ये डबल स्टैंड पे गाड़ी रख दिया हूँ, देखता हूँ कितना रुपये में पोल्यूशन बनता है और कितने महीने या कितने साल के लिए बनता है, बाकी आपको अपडेट कर दूँगा। तो अभी यहीं पर आया हूँ, तो वहाँ पे तो ट्राईपोड मिला नहीं जो फ्लेक्सिबल वाला ट्राईपोड चाहिए था, तो उसको किसी और दिन देखते हैं, और अभी पोल्यूशन बनाते हैं उसके बाद आगे का, और देखते हैं और क्या कुछ काम बचा हुआ है। तो भाई अभी पोल्यूशन बन गया है, 100 रुपये लगा है, 1 साल के लिए वैलिडिटी है, बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो मैं घर में जाके आपको दिखा दूँगा, बाकी 1 साल के लिए बन गया पोल्यूशन, अब नेक्स्ट साल का रिन्यू होगा बनवाएंगे, तो 100 रुपये लगा 1 साल के लिए, तो पोल्यूशन काम हो गया, आप चलते हैं देखते हैं और क्या कुछ काम है, अभी तो याद नहीं आ रहा, रास्ते में याद आएगा तो आप लोग से अपडेट कर देंगे। भाई अभी आ गए हैं दुर्गापुर के जैक्सन मॉल में, यहाँ पे देखते हैं कि मिल पाता है कि नहीं, वैसे तो अभी देखते हैं वहाँ पर बिग बाज़ार में तो मिला नहीं, जैक्सन मॉल में जाके देखते हैं कहाँ पर फ्लेक्सीबल वाला ट्राइपॉड हो, इलेक्ट्रॉनिक या मोबाइल वाले सेक्शन में जाके देखते हैं, बाकी आगे देखते क्या है, और बाकी दुर्गापुर के दर्शन मॉल अभी आगे आप। और मैं खड़ा हूँ यहाँ, मिल जाता है तो बढ़िया है, ब्लॉगिंग करने के लिए आसान हो जाएगा, अभी वो वाला मिल नहीं रहा, ट्राईपोड है पर मेरे पास ट्राईपोड जो है वो 7 फीट वाला है, मुझे 3 फीट वाला चाहिए था जो छोटा सा रहता है, ऐसे पकड़ के ब्लॉगिंग करने के लिए, अभी आगे देखते हैं। तो भाई अभी देख सकते हैं 2:30 बज गया, मैं घर से निकला था 10:30 बजे, और भाई टायर भी लग गया, टायर पूरा फिटिंग चार्ज वगैरह लेके 2800 का पड़ा था, और मेरा जो हेडलाइट था वो 1300 का पड़ा था, 100 रुपये फिटिंग, मतलब 1400 रुपये इधर लग गए नाइट आई वाले में, और इसका मिल नहीं पाया जो इंजन किल स्विच था, BS3 वाला भी था तो पर छोटा सा था ये सेल्फ स्टार्ट वाला, तो उसको मैंने नहीं लगाया, वो 350-400 के आसपास के बोल रहे थे, तो BS4 BS6 दोनों भी नहीं मिल पाया, तो इसका काम भाई बचा रह गया, ये नहीं हो पाया, बाकी पोल्यूशन हो गया, 100 रुपीज़ का पोल्यूशन का लगा था ब्लॉगिंग ट्राईपोड वो नहीं मिल पाया, बाकी चश्मा का काम जो था वो हो गया, तो मतलब सब मोटा मोटी हो गया, सिर्फ ये 2 काम पड़ा है, अब देखते हैं इसको कहीं और लगवाएंगे, और बाकी ब्रेक मेरा फ्रंट का जो ब्रेक है वो थोड़ा आवाज़ करा, उसको घिसा के साफ़ करवाना होगा, और जो ट्राईपोड है उसको ऑनलाइन ही मंगा लूँगा, और बाकी इसको मैं यहीं से बनवा लूँगा। तो अभी चलते हैं घर, 2:30 बज गया, थोड़ा खाते पीते हैं, बाकी वीडियो अपलोड करूँगा, तो वैसे ये नॉर्मली आज का था,
लाइफ स्टाइल, जैसे आज मैं क्या कर रहा हूँ तो वही मैं सोचा कि आज थोड़ा काम है, टायर भी चेंज करवा रहा हूँ, लाइट भी लगा रहा हूँ, तो सोचा कि वीडियो ही बना लूँ। तो कैसा क्या हुआ है आप लोग बताइएगा, ये अभी ट्राई कर रहा हूँ, और थोड़ा आप लोग सजेशन भी दे सकते हैं कि मैं और क्या अच्छा वीडियो अच्छा बनाने के लिए और क्या कुछ कर सकता हूँ। तो बस यही है, और कुछ भी डाउट या कुछ भी सजेशन हो तो आप कमेंट कीजिए, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का आईडी आपको आ रहा होगा। और अभी भी मैं यहाँ दुर्गापुर में ही हूँ, ये दुर्गापुर का लोकेशन है। तो चलिए घर चलते हैं, और बाकी ये जो वीडियो ये आजकल मैं एडिट करूँगा, ये कल परसों तक में अपलोड हो जाएगा, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं।